चल बाहर निकल। मुझे मेरे गांव जाने दो। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों पकड़ के रखा हुआ है मुझे यहाँ? चुप कर, दिमाग खराब कर रही है। एक घंटे के अंदर अंदर पूरे घर की सफाई, बर्तन और हमारे लिए नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। वरना कल तो तेरा मुंह तोड़ा था ना, आज तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझी तू? चल खाना बना। एक मिनट, एक मिनट। क्या क्या कर रही थी यहाँ पर? हाँ, और ये गेट, गेट क्यों खोला तू ना? होशियारी कर रही है मुझसे? हाँ चल चल, होशियारी करेगी मुझसे। अच्छा सुन, मैं तेरे को ना कॉल करता हूँ, ठीक है? रितु यार, बगल वाली आंटी के घर में कोई लड़की रहती है क्या? क्यों भैया, क्या हुआ? यार मैंने ना कोई लड़की देखी वहाँ पे। हाँ तो कोई गेस्ट आई होगी, हमें क्या करना है उससे? नहीं यार, वो गेस्ट जैसी नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था कि उसे जबरदस्ती रखा हुआ है वहाँ पे। अब क्यों बेकार के इन चक्करों में पड़ रहे हो, हमें क्या करना है इससे? रितु अगर ये तेरे साथ हो रहा होता और या फिर हमारे किसी घर वाले के साथ ऐसा हो रहा था तो भी तू यही बोलती। देख मुझे लगता है उस लड़की को हमारी जरूरत है, इसलिए मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। देखो भैया, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं जा रही हूँ। आपने ही तो कहा था सफाई करने के लिए। तू एक बात कान खोल के आज ध्यान से सुन ले, जितना दिमाग तू ये भागने में लगा रही है ना, उतना काम करने में लगा ले, वरना जो एक टाइम का तुझे खाना पीना मिलता है ना, वो भी बंद कर दूंगी आज से, समझी तू? चल जाके कपड़े साफ कर। क्या हुआ साहब? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? अरे तलाशी किस लिए? इन्होंने कंप्लेन किया कि आपने यहाँ किसी लड़की को कैद करके रखा है। साहब यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। सर ये झूठ बोल रहे हैं, ये उस लड़की को मारते भी हैं। सर यहाँ कोई लड़की नहीं रहती है। वो तो अब हमें तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा। सर हम मियाँ बीवी रहते हैं बस, और कोई नहीं रहता सर। अरे सॉरी मैडम। सर मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। सर ये झूठ बोल रहे हैं, यहाँ लड़की है। चुप रहिए आप, किस बात की दुश्मनी है हमसे? क्यों बदनाम करना चाहते हो मैं? हाँ सर ये औरत झूठ बोल रही है सर। प्लीज आई एम सॉरी, हमने आपको बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं सर। चलिए अच्छा मैं चलता हूँ। बिल्लियाँ बहुत है सर हमारे यहाँ। सर कोई नहीं है। ये गेट क्यों लॉक है? सर कुछ भी नहीं है उधर। गेट खोलिए। सर कुछ नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा ना गेट खोलिए।
आप जानते हो इन लोगों को? नहीं साहब, मैं जिसको जानती थी वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया, बोला कि यहाँ मेड का काम करना होगा। लेकिन जब से वो गया है उसके बाद इन लोगों ने मुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया। ये लोग मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद रखते थे और एक छोटी सी गलती होने पर 3-3 दिन भूखा रखते थे, और भागने की कोशिश करो तो मारते थे। कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक इंसान का किसी दूसरे इंसान के लिए इतना बुरा बर्ताव मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, और आप तो खुद एक औरत हो ना, फिर भी घिनानी चाहिए आपको आपसे। खैर अभी नहीं तो जेल में तो जरूर आ जाएगी। लेके चलो इनको। थैंक यू मिस्टर आकाश, आज अगर आप ना होते तो हम इन्हें ना बचा पाते। कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज। आई विल मेक श्योर कि ये सही सलामत अपने घर तक पहुंचे। चलिए। Bringing a change is a slow process, but if we all will contribute, then it'll become a massive movement. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.